स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर डिवोशनल पाथ एंड इन दिस यू हैव रेड अबाउट डिफरेंट सेंट्स ऑफ साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया. यू हैव रेड अबाउट देम. यू हैव रेड अबाउट हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति मूवमेंट. भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया एंड देन गॉट स्प्रेडिंग इन नॉर्थ इंडिया. तो भक्ति मूवमेंट में एक तो रिचुअलिज्म नहीं था, ठीक है. एंड जो भक्ति मूवमेंट के सेंट्स थे, दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप. मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे. फॉर एग्जांपल, आप कहोगे कि गुरु नानक देव जी तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, फॉर्मलेस गॉड में करते थे विश्वास. आप पाठ में भी बोलते हो निराकार. जपजी साहब का जो आप स्कूल में मूल मंत्र पढ़ते हो तो उसमें भी आप कहते हो कि भगवान फॉर्मलेस है, ठीक है. तो ये आइडल वर्शिप में भी नहीं बिलीव करते थे. बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड, ठीक. तो नॉट इन कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, किसी में भी ये लोग बिलीव नहीं करते थे. ट्रीटेड ऑल पीपल इक्वली. तो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट गुरु नानक देव जी, फर्स्ट गुरु ऑफ सिख रिलीजन, ठीक है. तो नो, लेट्स बिगिन विद गुरु नानक देव जी. तो इसमें आपने कहना है कि गुरु नानक देव जी का जो बर्थ है ना, उसका एक तो आपको ईयर लर्न करना है, 1469. गुरु नानक देव जी बोर्न एट तलवंडी ननकाना साहेब इन पाकिस्तान. गुरु नानक देव जी, आप बुक में दिया हुआ है, यू हैव टू लर्न फॉर एमसीक्यू. गुरु नानक देव जी बोर्न एट तलवंडी ननकाना साहेब. कहाँ पे है ननकाना साहेब? इन पाकिस्तान, ठीक है. एंड द ईयर इन 1439 में गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ, ठीक है. 1469 तलवंडी ननकाना साहेब, दैट इज इन पाकिस्तान. 1469 में गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ. एंड 1439 में हम कहेंगे कि ज्योति ज्योत समा गए, ठीक है. 1439 में ज्योति ज्योत समा गए, हम ये कहते हैं, ठीक है. अब ही ट्रेवल्ड वाइडली. अब गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासियां की थी. ही ट्रेवल्ड वाइडली एट करतारपुर डेरा बाबा नानक ऑन रिवर रावी एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर. उन्होंने करतारपुर में डेरा बाबा नानक रिवर रावी के किनारे उन्होंने सेंटर सेटअप किया था. कहाँ पे? करतारपुर में. बहुत बड़ा गुरुद्वारा है करतारपुर में. मे भी आप गए भी होंगे उस गुरुद्वारे में, ठीक है. तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो है तलवंडी ननकाना साहेब, कहाँ पे है? पाकिस्तान. ईयर 1469. फिर आपको बताना है कि ही ट्रेवल्ड वाइडली, ठीक. और फिर आपने बताना है ही एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर एट करतारपुर. करतारपुर में उन्होंने एक सेंटर सेटअप किया, डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी, ठीक. फिर आपने बताना है कि गुरु नानक देव जी जो थे ना, ही डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ही डिड नॉट बिलीव इन. हिज फॉलोअर्स जो थे ना, एट इन द कॉमन किचन लंगर प्रथा स्टार्ट की थी. हिज फॉलोअर्स एट इन कॉमन किचन लंगर खाते थे. उसको कहते हैं लंगर, कॉमन किचन में खाना, दैट इज लंगर, ठीक है. सेक्रेट स्पेस दस क्रिएटेड बाय गुरु नानक देव जी वॉज नोन एज धर्मशाल. जो इन्होंने सेक्रेट स्पेस सेटअप की ना, उसे क्या कहा गया? धर्मशाल. इट इज नाउ नोन एज गुरुद्वारा. धर्मशाल को अब हम क्या कहते हैं? गुरुद्वारा. अभी मैं इतना ही बोलती हूँ. गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पे हुआ? तलवंडी ननकाना साहेब, एट प्रेजेंट इन पाकिस्तान. 1469 में गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ था, 1469 में. फिर आपने बताना है ही ट्रेवल्ड वाइडली. उन्होंने अपनी उदासियां की थी, ठीक है. फिर आपने बताना है कि उन्होंने करतारपुर में डेरा बाबा नानक ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि एस्टैब्लिश किया, और फिर धर्मशाल सेटअप किए. धर्मशाल को आज की डेट में हम कहते हैं गुरुद्वारास. एंड गुरु नानक देव जी के जो फॉलोअर्स थे, दे एट इन कॉमन किचन. उसे कहते हैं लंगर खाते थे, कॉमन किचन. अब यहाँ से एक बात समझ आएगी कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर. चाहे वुमेन है, चाहे मेल है, मेल फीमेल, सब इकट्ठे बैठ के खाते थे.
और कोई कास्ट को नहीं बॉदर किया जाता था, सब इकट्ठे बैठते थे कॉमन किचन में लंगर खाते वक्त, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई भी आप अभी भी देखो, आप लंगर खाते हो कहीं भी मंदिर में या गुरुद्वारे में, आप बॉदर थोड़ा करते हो साथ में कौन है, कोई बॉदर, वो भी नहीं बॉदर करते मंदिर और गुरुद्वारे में, क्या कोई बॉदर करते हैं कि साथ कौन लोग अंदर आ गए, कौन बैठ गए, कौन खा रहे हैं। ये जो रिलीजन है ना, ये हमें ऐसी बातें नहीं सिखाता। तो गुरु नानक देव जी के जो फॉलोअर्स थे, दे एट इन कॉमन किचन, दैट इज नोन एज लंगर, एंड ही एस्टैब्लिश धर्मशाल। धर्मशाल को हम कहते हैं गुरुद्वारा, आज की डेट में हम धर्मशाल को क्या कहेंगे, गुरुद्वारा। बिफोर हिज डेथ इन 1539, गुरु नानक देव जी अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज ए सक्सेसर। अब 1539 में मैंने बोला गुरु नानक देव जी ज्योति जो समा गए, या आप कह सकते हो अपनी डेथ से पहले गुरु नानक देव जी ने अपना एक सक्सेसर अपॉइंट किया, ठीक है, अपने ही फॉलोअर को क्या बना दिया, सक्सेसर। हिज नेम वाज लहना, क्या नाम था, लहना, वन ऑफ द फॉलोअर ऑफ गुरु नानक देव जी, लहना। गुरु नानक देव जी ने लहना को क्या बनाया, अपना सक्सेसर, मींस अपनी गद्दी किसे दी, भाई लहना को। और ये जो भाई लहना है ना, ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद देव जी, ठीक है। गुरु नानक देव जी गेव हिज अपॉइंटेड सक्सेसर एज भाई लहना। भाई लहना को इन्होंने अपना क्या बनाया, सक्सेसर। और भाई लहना ही कौन है, गुरु अंगद देव जी, सेकंड गुरु ऑफ सिख, सिख रिलीजन के सेकंड गुरु। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी, सेकंड गुरु गुरु अंगद देव जी, ठीक है। भाई लहना ही वॉज फॉलोअर ऑफ गुरु नानक देव जी, एंड गुरु नानक देव जी अपॉइंटेड भाई लहना एज हिज सक्सेसर। भाई लहना केम टू बी नोन एज गुरु अंगद। गुरु अंगद देव जी ने अब क्या किया, कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ गुरु नानक देव। उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने जो जो बाणी लिखी थी ना, उसे कंपाइल किया, इकट्ठे किया, टू विच ही एडेड हिज ओन, और अपनी भी उसमें एड कर दी, एंड अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। इन अ न्यू स्क्रिप्ट, एक नई लैंग्वेज में जिसको हम कहते हैं गुरुमुखी, गुरुमुखी लैंग्वेज में उन्होंने अपनी भी जो वाणी लिखी थी, कंपाइल द वाणी ऑफ गुरु नानक देव जी एंड एडेड हिज ओन इन विच लैंग्वेज, गुरुमुखी लैंग्वेज में उन्होंने सारा कंपाइल कर लिया। द थ्री सक्सेसर्स ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक, एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशंस वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन देव जी इन 1604। अब गुरु नानक देव जी की पहले वाणी को किसने कंपाइल किया, गुरु अंगद देव जी, एंड ही एडेड हिज ओन इन विच लैंग्वेज, इन गुरुमुखी लैंग्वेज। एंड देन उसके बाद व्हाट हैपेंड, थ्री बाद में, एंड द ऑल ऑफ देयर कंपोजिशंस वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन देव जी, सारी बाणी बाद में किसने कंपाइल की, गुरु अर्जन देव जी ने, कौन से ईयर में, इन 1604, मींस पांच गुरुओं की बाणी 1604 में ये कंपाइल कर ली गई, किसने की, गुरु अर्जन देव जी ने। एंड टू दिस कंपो, आप कहोगे इस कंपाइलेशन में ऑल एट द राइटिंग्स ऑफ अदर फिगर्स लाइक शेख फरीद, संत कबीर एंड भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जी, ये सब ऐड की गई बाद में। गुरु अर्जन देव जी ने सारी बाणी कलेक्ट की, आदि ग्रंथ कहते हैं उसको, इन 1604 में आदि ग्रंथ लिखा गया। एंड हु रोट आदि ग्रंथ, हु कंपाइल्ड दिस, गुरु अर्जन देव जी। लेटर बाद में भगत, संत कबीर, शेख फरीद, बाबा नामदेव एंड गुरु अर्जन देव जी, इस गुरु तेग बहादुर जी, सॉरी गुरु तेग बहादुर जी की भी सारी वाणी इसमें कंपाइल की गई। इन 1706 गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर गुरु गोविंद सिंह जी, अब 1706 में गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर इसे कंपाइल किया, एंड नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब एज द होली बुक ऑफ द सिक्स। 1706 में गुरु गोविंद सिंह जी, सन ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने सारी वाणी को फिर इकट्ठा किया एंड कंपाइल्ड इट, फिर उन्होंने इसको क्या नाम दिया, गुरु ग्रंथ साहिब एज द होली बुक ऑफ द सिक्स। अब एक मिनट, 1604 आदि ग्रंथ वाज कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन देव जी, एंड इन 1706 हु कंपाइल्ड
गुरु ग्रंथ साहेब गुरु गोबिंद सिंह जी 1706 में, जो आज की डेट में होली बुक ऑफ सिक्स है, दैट इज गुरु ग्रंथ साहेब। और कौन से ईयर में गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस बुक को कंपाइल किया? 1706। एंड इन 1604 हु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ? आदि ग्रंथ में कितने गुरुओं की वाणी है? फर्स्ट फाइव गुरु। एंड दैट वाज डन बाय गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। एंड इन 1706 उसमें सबकी वाणी को ऐड किया गया, शेख फरीद, बाबा नामदेव एंड संत कबीर, ये सब ऐड किए गए उसमें। एंड गुरुओं की वाणी है, गुरु गोविंद सिंह जी कंपाइल्ड इट इन 1706 एंड नोन एज, इसको क्या नाम दिया? गुरु ग्रंथ साहिब। एंड दिस इज नाउ द होली बुक ऑफ द सिक्स। तो इज इट क्लियर? इतना आ गया। गुरु नानक देव जी फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख। बर्थ कहाँ पे हुआ? तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में 1469। फिर गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में डेरा बाबा नानक सेटअप किया ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। फिर आपने कहना है कि गुरु नानक देव जी डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज हिज फॉलोअर्स एट इन कॉमन किचन नोन एज लंगर। तो फिर आप बता सकते हो कि गुरु नानक देव जी, इन्होंने अपने सक्सेसर कौन थे इनके सक्सेसर? भाई लैना, भाई लैना को अपॉइंट किया। और भाई लैना बाद में क्या बन, किस नाम से जाने गए? गुरु अंगद देव जी, सेकंड गुरु ऑफ द सिक्स। भाई लैना या गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी की वाणी और अपनी भी उसमें ऐड की। इन विच लैंग्वेज? गुरुमुखी लैंग्वेज, जिसमें हमारा आदि ग्रंथ है, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरुमुखी लैंग्वेज। गुरुमुखी लैंग्वेज में इन्होंने उसे कंपाइल किया। एंड देन गुरु अर्जन देव जी फिफ्थ गुरु ऑफ द सिक्स, उन्होंने बाकी गुरुओं की भी वाणी लेके, पांच गुरुओं की उसमें वाणी है, दैट इज नोन एज, इन 1604 में उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की, आदि ग्रंथ। एंड देन लेटर इन 1706 गुरु गोबिंद सिंह जी कंपाइल्ड दिस रिलीजियस टेक्स्ट। उन्होंने सारा कंपाइल किया, गुरुओं की वाणी साथ में उन्होंने ऐड की, भगत नामदेव, संत कबीर एंड शेख फरीद, सबकी वाणी उसमें ऐड की गई। तो वो सारे गुरुओं की वाणी ऐड की गई एंड केम टू बी नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। दिस इज द होली बुक ऑफ द सिक्स। अब नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक्स फॉलोअर्स इंक्रीज्ड। They belonged to number of caste, but traders, agriculturists, artisans, craftsmen, ये सब थे उसमें। गुरु नानक देव जी के जो followers थे, they were from different caste, as you have read about, आपने महाराष्ट्र के saints भी पढ़े हैं, है ना? तो आपने सिद्धार्थ नाथपंथी योगास के बारे में भी पढ़ा, तो उनके भी followers सब caste के थे, उनके तो खुद के members भी low caste के थे। तो गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स इंक्रीज होते चले गए एंड दे वर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, एज देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। हिज फॉलोअर्स मस्ट बी हाउस होल्डर्स एंड शुड अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन। गुरु नानक देव जी क्या कहते होते थे कि उनके फॉलोअर्स जो है ना, वो हाउस होल्डर्स होने चाहिए, अपनी फैमिली के साथ रहने वाले होने चाहिए, अपने बच्चों की केयर करने वाले होने चाहिए, अपना घर बार चलाने वाले होने चाहिए, कोई ऑक्यूपेशन। गुरु नानक देव जी हमेशा बिलीव करते थे कीरत करो वंड छको, अपनी मेहनत करो और मिलके खाओ, मेहनत की कमाई में विश्वास करते थे। दे वर आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द जनरल फंड्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स। फंड्स में कि आपको दसवंध जैसे जो भी आपको देना है, आपको कम्युनिटी के लिए कुछ फंड्स देने हैं, ठीक है, ताकि उससे जो पुअर पीपल हैं उनको लंगर में से लंगर दिया जा सके। तो इस वे से आप बताओगे कि गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स इंक्रीज होते चले गए एंड दे वर फ्रॉम ऑल कास्ट। गुरु नानक देव जी चाहते थे कि उनके जो फॉलोअर्स हो, दे मस्ट बी हाउस होल्डर्स एंड मस्ट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर देयर फैमिली मेंबर्स, लुक आफ्टर, वो अपनी फैमिली की केयर करने वाले होने चाहिए। ये नहीं है कि वो रिनंसिएशन में बिलीव नहीं करते थे। गुरु नानक देव जी डिड नॉट बिलीव इन रिनंसिएशन, के अपना घर बार छोड़ो और जंगलों में चले जाओ। नो, ही बिलीव, वो विश्वास करते थे कि उनके फॉलोअर्स क्या होने चाहिए? हाउस होल्डर्स, घर में रहने वाले होने चाहिए, घर में बच्चों के साथ रह के आप पाठ भक्ति करो। एंड बिलीव्ड इन जनरल फंड्स फॉर द कम्युनिटी, जनरल फंड्स में, ठीक है। बाय द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ रामदासपुर अमृतसर हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदर साहिब। बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी में
अमृतसर में गोल्डन रामदासपुर पैलेस को कहते थे। अमृतसर का पुराना नाम रामदासपुर, ठीक है, रामदासपुर अर्लियर नेम ऑफ अमृतसर, ठीक है। अमृतसर में एक आप कह सकते हो कि गुरुद्वारा एस्टैब्लिश हुआ एंड दैट इज हरमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल, ठीक। आपको याद रखना है गोल्डन टेम्पल कहाँ पे, रामदासपुर अर्लियर नेम ऑफ अमृतसर, कौन सी सेंचुरी में, इन 17th सेंचुरी, एट द बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी आप कहोगे रामदासपुर अमृतसर में एक गुरुद्वारा बना, दैट इज नोन एज हरिमंदर साहेब और गोल्डन टेम्पल। आप बच्चे गोल्डन टेम्पल कहते हो। तो एम्परर जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन देम एज पोटेंशियल थ्रेट एंड ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन इन 1606, क्योंकि जहांगीर को लग रहा था, ही वॉज मुगल एम्परर देन, तो उसको लग रहा था सिक्स जो है ना वो पावरफुल होते जा रहे हैं, ठीक है, उनका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, पावर ऑफ सिक्स इंक्रीज या नंबर ऑफ सिक्स इंक्रीज, तो उनको लग रहा था कि हमारी मुगल जो डायनेस्टी है ना कहीं ये लोग उसके लिए थ्रेट बन जाएंगे आने वाले टाइम में। तो दैट वॉज नॉट टॉलरेटेड बाय मुगल एम्परर जहांगीर कि पावर्स ऑफ सिक्स वर गोइंग टू बी इंक्रीज। तो जहांगीर से ये बात टॉलरेट नहीं हो रही थी। आपको याद होंगे मुगल रूलर्स, यू हैव रेड फाउंडर आपने पढ़ा हुआ है बाबर, देन यू हैव रेड अबाउट हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, यू हैव रेड ऑल। अब मैं जहांगीर की बात कर रही हूँ कि जहांगीर वाज अ मुगल रूलर एट दैट टाइम, एट दैट वाज नॉट टॉलरेटेड बाय जहांगीर के पावर ऑफ सिख वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड दे वर बिकमिंग पॉपुलर, तो उससे ये बात टॉलरेट नहीं हो रही थी। तो दैट्स वाई अब जहांगीर ने क्या किया, दिस वॉज नॉट टॉलरेटेड बाई जहांगीर एंड ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव जी इन 1606। गुरु अर्जन देव जी की शहादत जो है वो कौन सी ईयर में हुई, 1606, कौन से मुगल एम्परर के पीरियड में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर इन 1606। एंड द सिख मूवमेंट बिकेम पावरफुल, अब सिख मूवमेंट जो थी ना वो पावरफुल होनी, और ज्यादा पावरफुल होनी शुरू हो गई इन 17th सेंचुरी। अब डेवलपमेंट जो थी उनकी, और अब खालसा आ गया, खालसा इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप बाय गुरु गोबिंद सिंह जी इन 1699। अब हु वाज द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ, गुरु गोबिंद सिंह जी, इन विच ईयर 1699, डेट तो आपको पता ही है, 13 अप्रैल 1699 में किसकी सिर्जना हुई, खालसा पंथ की। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ, गुरु गोबिंद सिंह जी। नाउ लिसन अगेन, एज द सिक्स वर बिकमिंग पावरफुल, सिक्स पावरफुल क्योंकि गोल्डन टेम्पल बन चुका था, नंबर ऑफ सिक्स इंक्रीज्ड, दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय जहांगीर, तो उसको लगता था कि थ्रेट है फॉर मुगल एम्पायर, दैट्स व्हाई ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव जी इन 1606। गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई 1606 में, और फिर इसके बाद जो सिख थे वो और पावरफुल होने शुरू हो गए, उनका नंबर कम नहीं हुआ, और डेवलपमेंट्स और ज्यादा पावरफुल होना शुरू हो गए सिक्स, एंड इन 1699 गुरु गोबिंद सिंह जी लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सिर्जना की। द कम्युनिटी ऑफ सिख कार्ड खालसा पंथ बिकेम अ पॉलिटिकल पावर, अब ये उन दिनों पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। आई थिंक आपने छोटे चार साहेबजादे वाली मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी बच्चे तो ओनली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको नॉलेज मिलेगी, चार साहेबजादे वाली मूवी अगर आप देख लोगे तो दैट इज गुड, कि कैसे ये लोग पॉलिटिकल पावर बन चुके थे पहाड़ी राजाओं के साथ, जो रूलर्स ऑफ माउंटेनियस रीजन है ना, कैसे उनके साथ इनकी लड़ाइयां हुई हैं, कैसे मुगल साथ में थे, तो उन्होंने कैसे मिलके मुगल एंड पहाड़ी राजा जो थे उनके साथ वो दोनों इकट्ठे हो गए थे, और इधर से सिख कम्युनिटी कैसे इनकी आपस में झगड़े हुए। ये नहीं है कि सिख कम्युनिटी में मुसलमान नहीं थे, सब थे, हिंदू मुस्लिम सब थे, हर कोई पार्ट था इस सिख कम्युनिटी में, हर किसी ने इसको ज्वाइन किया हुआ था। तो उधर से लड़ाइयां किसके साथ हुई थी, पहाड़ी राजाओं के साथ एंड विद मुगल्स, ठीक है। तो आपने अगर नहीं देखी तो यू कैन सी कि कैसे ये लोग पॉलिटिकल पावर बन चुके थे, अर्लियर ये एक रिलीजन, अब ये गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की सृजना की 1699,
तो इसको कहा गया खालसा पंथ। तो ये क्या बन चुकी थी उन दिनों? पॉलिटिकल पावर। नो इट बिकेम पॉलिटिकल पावर इन दोज डेज। तो भी आज इतना ही, एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, गुरु नानक देव जी का बर्थ, आपको बर्थ का ईयर लर्न करना है 1469, आपको डेथ का भी आना चाहिए 1539, फिर आपको ये भी बताना है कि गुरु नानक देव जी का बर्थ कहाँ पे हुआ, ठीक है, तलवंडी ननकाना साहिब, दैट इज इन पाकिस्तान। फिर आपको ये भी बताना है कि गुरु नानक देव जी ने धर्मशाल सेटअप किए थे, धर्मशाल को क्या कहा जाता है, वनमा क्वेश्चन, गुरुद्वारा, डेरा बाबा नानक कहाँ पे सेटअप किया, करतारपुर। यू हैव टू लर्न ऑल कि डेरा बाबा नानक जो था ये कहाँ पे सेटअप हुआ, करतारपुर। यू हैव टू लर्न ऑल दीज। तो इसके बाद आपने बताना है कि उन्होंने अपने फॉलोअर को क्या बना दिया गुरु नानक देव जी ने, कौन थे फॉलोअर, हु वाज द फॉलोअर ऑफ गुरु नानक देव जी, भाई लहना। फिर आपसे वनमा क्वेश्चन, देखो सारे वनमा क्वेश्चंस बन जाने हैं, हु वाज अर्लियर नेम ऑफ गुरु अंगद देव जी, अगर आपको ये पूछा जाए तो आपने कहना भाई लहना, ठीक है, या भाई लहना केम टू बी नोन एज गुरु अंगद देव जी, ठीक है, सेकेंड गुरु ऑफ द सिख। फिर भाई लहना ने अपनी और गुरु नानक देव जी की वाणी को कंपाइल किया, विच लैंग्वेज, गुरुमुखी लैंग्वेज। फिर आपको देखो सारे इयर्स लर्न करने हैं, इन 1604 हु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ, गुरु अर्जन देव जी, हु वाज गुरु अर्जन देव जी, फिफ्थ गुरु ऑफ द सिख, ठीक है। फिर आपको बताना है कि लेटर बाद में गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने दूसरे और गुरुओं की वाणी को ऐड किया, एंड एडेड द वाणी ऑफ नाम भगत नामदेव, संत कबीर, शेख फरीद, एंड उन्होंने क्या कंपाइल किया, गुरु ग्रंथ साहिब। At present, this is the holy book of Sikh. फिर आपने बताना कि number of Sikhs increase. अब day by day Sikhs के number क्या होते चले गए, increase. अब कौन डरना शुरू हो गए इस बात से, Mughals. क्योंकि अमृतसर में, अमृतसर का earlier name रामदासपुर, अमृतसर में क्या बन चुका था, Golden Temple. तो that was not tolerated by Mughal community. मुगलों के, मुगल जो थे उनको लगता था threat. तो that's why आप कहोगे कि जहांगीर मुगल एम्परर ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। तो गुरु अर्जन देव जी की एग्जीक्यूशन के बाद नंबर ऑफ सिक्स जो थे सिख और पावरफुल होना शुरू हो गए। आपको एग्जीक्यूशन का ईयर पूछा जा सकता है 1606, इज इट क्लियर। 1604 में गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की एंड 1606 में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, लर्न इट, दो साल बाद। In 1604, he compiled Adi Granth and in 1606, Guru Arjan Dev Ji was executed by Jahangir, Mughal Emperor Jahangir, ठीक है? तो फिर सिख और पावरफुल होते चले गए, तो after the execution of their Guru, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने in 1699, अब ये भी year आपको learn करना है, he laid the foundation of Khalsa Panth, Khalsa Panth की सिर्चना की 1699 में, ठीक है। तो खालसा पंथ एक पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी, खालसा पंथ पॉलिटिकली पावरफुल हो चुके थे ये लोग, पॉलिटिकल पावर उन दिनों की मेन जो कह सकते हो, दैट इज द पॉलिटिकल पावर, दैट वाज द पॉलिटिकल पावर इन दोज डेज। अब इनकी लड़ाइयां हुई हैं मुगलों के साथ एंड विद रूलर्स ऑफ माउंटेनियस रीजन्स, ठीक है।